अपनी पैठ जमाने के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या गठबंधन, हर एक ने जोर आजमाइश की है और सियासी तीर भी खूब छोड़े। और चलिए ताजा अपडेट्स जानने के लिए ग्वालियर से हमारे साथ स्वराज्यवक्ता विनोद शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वैभव शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। सबसे पहले वैभव आपके पास ही जाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहे हैं। 6 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है। जी नहीं, 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और फिलहाल जो मतगणना के कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं मतगणना स्थल पर। इस वक्त मैं सेजबहार जो मतगणना स्थल है रायपुर का, वहां पे मौजूद हूं और रायपुर बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपनी प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर है, क्योंकि उनके अपने पसंद के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से हैं प्रमोद दुबे और दूसरी ओर बीजेपी से सुनील सोनी है, तो इन दोनों के बीच में बेहद कड़ा मुकाबला है। तो जाहिर तौर पर चाहे वो बीजेपी के लिहाज से देखा जाए या फिर कांग्रेस के लिए, तो एक महत्वपूर्ण सीट है ये और इस पर देश भर की निगाहें हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर में सभी 11 सीटों पर तैयारी चुनाव आयोग की पूरी है, हर एक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके मद्देनजर व्यापक तौर पे दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं। खास तौर पे जो आशंका कांग्रेस की तरफ से जताई गई है ईवीएम में छेड़छाड़, गड़बड़ी या फिर जो है मोबाइल के जरिए ईवीएम को हैक करने की जो बात आ रही थी, उसके मद्देनजर और सुरक्षा को व्यापक कर दिया गया है और जो भी कर्मचारी मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, बकायदा उन सब की जो है जांच परख की जा रही है और उसके बाद ही उनको एंट्री मिल रही है। तो सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न बरती जाए इसके व्यापक निर्देश का असर तो फिलहाल दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जो 8 बजे से मतगणना की जब शुरुआत होगी तो उसमें सभी जो है विधानसभा बार वोटों की गिनती होनी है। रायपुर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन रायपुर लोकसभा के भीतर में 2 जिले हैं। रायपुर जिले के भीतर में 7 विधानसभा सीटें हैं जिसकी गिनती यहाँ पे हो रही है, जबकि 2 अन्य विधानसभा सीटें जो कि बलौदा बाजार के अंतर्गत आते हैं उनकी गिनती बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में होगी। तो इस तरीके से जो है गिनती की शुरुआत 8 बजे से दिखाई देगी, लेकिन सभी की जो है धड़कने काफी तेज है, खासतौर पे उन प्रत्याशियों की जो कि लंबे वक्त तक मेहनत करते रहे, कैंपेनिंग करते रहे, उन्हें इस बात को लेकर के एक तरीके से आशंका भी है कि एग्जिट पोल जो बता रहा है क्या उसके मुताबिक रिजल्ट आएंगे। अगर वैसे आएंगे तो फिर उन प्रत्याशियों के लिए एक तरह से खुशखबरी होगी जो कि ये मान के चल रहे थे कि काफी कड़ा मुकाबला है और वहां पे वो फंस सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीटें हैं उस पर सबकी निगाहें, लेकिन छत्तीसगढ़ की जिन 5 सीटों पर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की भी निगाहें हैं, उसमें से एक सीट रायपुर का जिक्र मैं कर चुका हूं, दूसरी सीट है दुर्ग जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अपनी प्रतिष्ठा दांव पे है क्योंकि वो उनका गृह जिला है और वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी है प्रतिमा चंद्राकर। ऐसे में उसे जिताने की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां प्रतिमा चंद्राकर के लिए जीत आसान नहीं है क्योंकि विजय बघेल एक लोकप्रिय चेहरा है और बीजेपी के कैंडिडेट है, वो उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सरगुजा जहां से टीएस सिंहदेव आते हैं और टीएस सिंहदेव का जो बयान कल मतगणना के ठीक पहले आया था उसमें वो ये आशंका जाहिर कर चुके हैं कि ये सीट काफी दिक्कतों से भरा हुआ है और वहां से जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ये मान रहे हैं कि सरगुजा सीट को जीतना आसान नहीं नजर आ रहा है, अगर जीत गए तो एक चमत्कार जैसा ही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। यही हालात जो है आपको कोरबा के भीतर में भी है जहां पे चरणदास महंत आते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत वहां से चुनाव लड़ रही हैं। वहां पे कांग्रेस समीकरण 6 सीटों पर ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहे हैं। चलिए वैभव आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल हमारे साथ विनोद शर्मा भी लाइव जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। विनोद क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए जो मतगणना शुरू होगी वो सुबह 8 बजे होगी, लेकिन अभी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में से बाहर आने का सिलसिला शुरू होने वाला है
और जो कर्मचारी है वो मतगणना स्थल पर धीरे धीरे उनकी आमद शुरू हो गई है। बाहर जो मतगणना स्थल है वहां पर सुरक्षा जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसमें किसी भी तरह से कोई भी नशीला पदार्थ या किसी तरह का धारदार हथियार या अन्य सामग्री लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। केवल पासधारी व्यक्ति जिनको प्रशासन ने या निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है वही व्यक्ति अंदर दाखिल होंगे। और साथ ही यहाँ पर जो मतगणना शुरू की जाएगी उस दौरान किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। तो यहाँ तक कि कलेक्टर और एसपी के मोबाइल भी बंद रहेंगे, वो जो एक कक्ष बनाया गया है वहां पर जमा करा लिए जाएंगे। ऐसे में अगर शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो एडिशनल एसपी और एडीएम उस लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखेंगे, लेकिन अंदर एसपी और कलेक्टर रहेंगे, खुद आईजी और कमिश्नर लगातार मतगणना स्थल का अभी मुआयना करके वापस निकले हैं। कल देर रात को भी मुआयना उन्होंने किया था। 800 कर्मचारी इस मतगणना के लिए लगाए गए हैं। 500 जो टेबल है वो लगेंगी जहां पर मतगणना की जाएगी। और साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनके जो जो लोग रहेंगे उनसे पूरा एक तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा। किसी तरह से अगर कोई आपत्ति आती है तो वो भी दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर सीट एक प्रतिष्ठित सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर एक तरफ से जो बीजेपी द्वारा जिस तरह से विवेक नारायण सेजवाल को खड़ा किया गया, आरएसएस का पूरा सपोर्ट है, आरएसएस के व्यक्ति माने जाते हैं, और वहीं पर अशोक सिंह जो लगातार 3 बार हारे हैं उनको यहां पर कांग्रेस ने दाव खेला है, और काफी दोनों ही प्रत्याशी ने मेहनत की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर बात कर रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का कहना है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। अगर इसमें ग्रामीण क्षेत्र से सहयोग जिसको मिल जाएगा वो प्रत्याशी निकल सकता है बाहर। और ये 36 घंटे तक मतगणना जैसे बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा 36 घंटे तक रहेगी, उसके लिए कर्मचारियों को पहले से ही बता दिया गया है कि वो अपनी पूरी तैयारी कर आए। पानी की बोतल केवल जो प्रत्याशियों के जो लोग रहेंगे वो लेके जा सकते हैं, इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं है। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाश्ता दिया जाता है कर्मचारियों को वो सुबह 10 बजे के बाद दिया जाएगा। विधानसभा में 8 बजे 9 बजे नाश्ता दे दिया गया था, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा करीबन, उसके बाद चूंकि मतगणना में कोई फर्क ना पड़े इसलिए उनको बाद में दिया जाएगा। और भी किसी तरह से अगर कोई परेशानी होती है तो तत्काल उसके लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं, चिकित्सक तैनात किए गए हैं। भीषण गर्मी है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, इसके अलावा लोगों की भीड़ मतगणना स्थल जो कि एमएलबी कॉलेज है वहां एकत्रित ना हो सके, इसके लिए शहर के कई स्थानों पर स्क्रीन लगाई गई है बड़ी बड़ी, जहां पर वो लोग जाकर देख सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति चल रही है ग्वालियर की। वहां पर जो बीएसएनएल द्वारा है उनसे 2 MB ली गई है, और जो मतगणना की जो लाइव स्थिति रहेगी वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफी रोचक भरा आज का दिन रहेगा, क्योंकि कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कई चेहरे खुश और मायूस होते देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे जो चक्र और चरण आएंगे वैसे वैसे कई तरह के चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि ग्वालियर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सीपरी जिले की भी 2 विधानसभाएं हैं, पोहरी और करेरा, उनकी भी काउंटिंग होगी, और ग्वालियर में 6 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। दोनों ही जगह से मैच उसमें उसके बाद मैच किया जाएगा, उसके बाद किसी तरह के रुझान और जो परिणाम है वो धीरे धीरे घोषित किए जाएंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है लोकसभा की इस बार मतगणना की, इसको लेकर पहले से ही लगातार मीटिंगें की जा रही थी, प्रशासन द्वारा लगातार, पुलिस द्वारा लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी, किसी तरह की कोई हर तरह की घटना से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस तनाई तैयार है, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप ना लगे इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पारदर्शिता बरती जा रही है। और कुल मिलाकर एक कह सकते हैं कि मतगणना का जो कार्य है वो 8 बजे से शुरू होगा और उसके बाद 1 घंटे बाद कुछ उसमें रुझान निकल के सामने आएंगे। जी चलिए वापस आएंगे आपके पास। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितने राउंड में मतगणना हो सकती है? देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्था है। 14 राउंड एक तरीके से होगी, जहाँ पे 7-7 के टेबल लगाए गए हैं और उनमें गिनती होनी है, लेकिन कहीं कहीं पे 21 राउंड में भी गिनती होगी, जो कि बड़े विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे 21 राउंड तक में भी गिनती पूरी होनी है। लेकिन अधिकतर जो विधानसभा क्षेत्र की जो गिनती होगी, विधानसभा वार जो गिनती होगी, उसमें 14 राउंड में ही ये गिनती पूरी होगी। लेकिन प्रक्रिया जो है थोड़ी सी लंबी इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीवीपैट को भी जो है उस गिनती में शामिल करना है, तो ऐसे में एजेंटों को जब आपको
वोट के जानकारी दी जानी है, तो ईवीएम की भी जानकारी देनी है और वीवीपैट की देनी है। हालांकि वो कम रहेगी संख्या, लेकिन उसमें एक समय लगेगा, इसलिए जो निर्धारित समय पे रिजल्ट आने होंगे उसमें अब देरी देखने को मिल सकती है और देर रात पूरी तरह से नतीजे आएंगे। हालांकि जो रुझान है, पहला रुझान हमें 11 बजे के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे और उसमें ये बता पाने की स्थिति में रहेंगे कि फिलहाल कौन जो है कहां से कितने मतों से जो है आगे चल रहा है। तो एक जो रुझान है वो आपको 11 बजे से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि अब एक तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि मतगणना के टेबल पूरी तरह से सज चुके हैं, कर्मचारी वहां पे पहुंच चुके हैं, एजेंट जो है लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की तैयारी चुनाव आयोग की होनी चाहिए वैसी तैयारी तो नजर आ रही है, लेकिन चूंकि काफी गहमा गहमी वाला माहौल है रहता है, चुनाव एक तनाव भरा माहौल रहता है, तो अक्सर कई बार ये भी होता है कि मतगणना कक्ष के भीतर ही हंगामे की स्थिति दिखाई पड़ती है। लिहाजा मतगणना कक्ष के भीतर में भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना हो इसका भी ध्यान विशेष तौर पर रखा गया है। तो हमें इंतजार करना होगा जब मतगणना की शुरुआत होगी, चूंकि डाक मतपत्रों की भी गिनती होनी है, उनकी संख्या बहुत कम रहती है लेकिन उसकी गिनती भी होनी है, तो कई विधानसभा सीटों में पहले गिनती हो जाएगी, कई में बाद में गिनती की जाती है, लेकिन डाक मतपत्रों का ही सबसे पहले जो है रुझान सामने आएंगे, उसके रिजल्ट बताए जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी ईवीएम से गिनती शुरू होगी। तो एक तरीके से 9 बजे के आसपास भी ये बताया जा सकता है कि कौन कहां से कौन सी सीट पे आ गया, लेकिन एक शुरुआती रुझान जिससे आप ये कह पाने की स्थिति में रहेंगे कि हाँ किसको कहां से कितना फायदा हो पा रहा है, कौन कितनी सीटों पे आगे चल रहा है, ये 11 बजे के आसपास सही तरीके से दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए वैभव आपके पास वापस आएंगे, विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद आपसे जानना चाहेंगे, ग्वालियर से सटे हुए इलाके भिंड मुरैना और चंबल, इसमें दो बड़े चेहरे हैं जिनकी साफ दाव पर है, जिसमें पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ तोमर, तो सियासी समीकरण एक बार आपसे समझना चाहेंगे। देखिए अगर हम गुना की बात करें तो वहां तो सीधा सीधा कांग्रेस की झोली में एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी सीट गुना की दे दी है, क्योंकि तो जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है वो पहले से ही काफी कमजोर माने जा रहे थे और इसको लेकर बीजेपी ने जो कार्यकर्ता है उन्होंने काफी निराशा हुई थी। लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो मुरैना में, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो रामनिवास रावत हैं, और दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुरैना और सोपर मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र कहलाता है, जहां अगर रामनिवास रावत की बात करें तो सोपर, कराहल, विजयपुर, कैलारस रामनिवास रावत का गढ़ माना जाता है, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर अंबा, कोरसा, मुरैना और जो सुमावली है वो जोरा तक काफी उनकी अच्छी पकड़ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर तय करेंगे तो ब्राह्मण वोट तय कर पाएंगे कि आखिर ब्राह्मण वोटों का किधर सबसे ज्यादा रुझान रहा है। अगर ब्राह्मण वोट जिधर गए होंगे उस प्रत्याशी को जीत मिल सकती है। तो वहीं अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड में देवाशीष जो कांग्रेस ने खड़े की है और संजय राय बीजेपी की तरफ से है, तो वहां माना जा रहा है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि देवाशीष नए चेहरे हैं भिंड के लिए, जबकि संजय राय उस क्षेत्र से लगातार जुड़ी रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन ग्वालियर की और मुरैना की जो दो सीटें हैं वे दोनों ही सीटों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और दोनों ही सीटों पर अभी कुछ भी कहना, खास करके राजनीतिक जो गणतज्ञ है और जो कह सकते हैं ज्योतिष भी है, वो भी इस दोनों सीटों को लेकर पूरी तरह से साफ खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जीत के लिए, दोनों ही जो लोकसभा क्षेत्र है उनके प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लोगों से अभी से ही उन्होंने घरों पर बैठना शुरू कर दिया है, जैसा हमें सुबह जानकारी मिली है कि वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं। अशोक सिंह है वो जो कांग्रेस के हैं ग्वालियर से, उन्होंने सुबह मंदिर में दर्शन किए। विवेक नारायण सिजवलकर भी सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सुबह पूजा पाठ अर्चना की है। रामनिवास रावत भी पूजा
पूजा पाठ कर रहे हैं। तो अमूमन जो भी प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले अपने इष्ट देव की पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने घर में धार्मिक आयोजन से शुरुआत कर रहे हैं घर से निकलने की, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आज जीत की कह सकते हैं सुनिश्चित करने के लिए बाहर निकलेंगे और वो मतगणना स्थल पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा कहा गया है कि मतगणना स्थल पर प्रत्याशी पहुंचेंगे और नजर रखेंगे, खास करके कांग्रेस के प्रत्याशी मतगणना स्थल पर लगातार रहेंगे। तो मतगणना स्थल पर पहुंचने के बाद वो लगातार नजर रखेंगे। भिंड और मुरैना में ये स्थिति है कि दो जगह मतगणना होगी, सोपर में अलग होगी और मुरैना में अलग होगी। तो कह सकते हैं कि आज का जो दिन है प्रत्याशियों के लिए तो दिन भारी है ही, और साथ ही लोगों के लिए बड़ा रोचक है। और इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि सरकारी दफ्तरों में आज आज अधिकतर काम कम होंगे और केवल इसी बात के लिए लोग चर्चा रहेगी कि आखिर किसकी सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि दफ्तरों में कम लोग पहुंचेंगे और कर्मचारियों की, क्योंकि मतदान और मतगणना के मतदान के बाद मतगणना में ड्यूटी लगाई गई है कई कर्मचारियों की, उन स्थल पर ड्यूटी लगाई गई है। तो आज चाहे घर हो, बाहर हो, रसोई हो, सड़क हो, चौपाल हो, बस या ट्रेन हो, केवल आज एक ही चीज दिखाई देगी कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन किससे आगे है, और इसी की चर्चा हर जगह सुनाई देगी। और क्या होता है, ऊंट किसकर बैठता है राजनीति। आपके पास वैभव भी लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, इस बीच खबरें मिल रही हैं कि 8 बजे से तो वोटिंग शुरू हो, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान भी होगा, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने ऐसी मांग भी रखी थी। देखिए, विपक्षी पार्टियों की मांग तो थी वो 50% तक के थे, लेकिन उसे चुनाव आयोग ने फिलहाल मंजूर नहीं किया है। और जो आप बता रही हैं वही सही है कि 5 वीवीपैट जो है मशीनों की गिनती उसकी भी होगी और उसका मिलान किया जाएगा यूएम से, वो विधानसभावार जो चीज़ें हैं। तो वो एक थोड़ा सा भरोसा जो है जताने या दिखाने की कोशिश है, और विपक्ष को चूंकि उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसी को आपको सच मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के भरोसे जो है आप कई जगह पे सरकार भी बना पाए हैं। और छत्तीसगढ़ में खास तौर पे अगर 68 सीटें कांग्रेस जीती है तब भी यही स्थिति थी। तो इस भरोसे के साथ विपक्ष को चलना होगा और उन्हें इस पर विश्वास जताना होगा कि जनता ने जितना उनका साथ और समर्थन दिया है वही सही है, उसमें किसी तरह की कोई आशंका या गड़बड़ी को लेकर के जो शिकायत है वो कम से कम फिलहाल तो अब नहीं दिखनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। तो शुरुआत जो होनी है वो 8 बजे से होनी है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं एक झलक आपको इस वक्त सेजबहार मतगणना स्थल का दिखा रहा हूँ, जहाँ पे अभी भी जो कर्मचारी हैं, एजेंट्स हैं, वो पहुँच रहे हैं। और ये वो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है जो सेजबहार मतगणना स्थल के बाहर की तस्वीर है। पुलिस वाले जो है जितनी संख्या में यहाँ पे हैं उससे दुगनी और तिगुनी संख्या में जो है अंदर है इस वक्त मतगणना स्थल के, जो शेष बाहर का जो अंदर का एरिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे ये वोटों की गिनती होनी है वहाँ पे है। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है किए गए हैं और कर्मचारियों की जो है आवाजाही अभी भी जारी है। तो इंतजार सभी को इस बात को लेकर के है कि 8 बजे जब मतगणना की शुरुआत होगी उस वक्त क्या तैयारियां रहती है, क्योंकि कभी कभी ये भी दिक्कतें आती है कि कई ईवीएम जो है वो समय पे खुल नहीं पाते, मतलब जो सील पैक रहता है उसको खोलना रहता है, वहां से फिर उसकी काउंटिंग शुरू होती है, तो उसमें भी कई बार तकनीकी तौर पर दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही, वो 8 बजे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सभी की जो है धड़कने तेज है। एक जानकारी और आपको दे दूं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो दोपहर के वक्त तक अपने घर में ही रहकर मतगणना पर नजर रखेंगे। भिलाई स्थित निवास में वो मौजूद रहेंगे, वहाँ पे उनके अपने जो है समर्थक कार्यकर्ता वो रहेंगे, और भिलाई स्थित निवास से ही वो तमाम जो है मतगणना पे नजर रखेंगे। देश भर के, प्रदेश भर पे उनकी निगाहें रहेगी, और दोपहर बाद वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और सीधे कांग्रेस भवन आएंगे और वहां पर फिर वो मीडिया से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपना एक भरोसा है, उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जैसा रिजल्ट विधानसभा चुनाव के भीतर में कांग्रेस के लिए आया था, कुछ उसी तरह के नतीजे यहां भी दिखाई देंगे। यानी कि वो तो दावा 11 सीटों का कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो कम से कम
आठ से नौ सीटें की यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के ही कई जो बड़े नेता है और मंत्री है उनका ये मानना है कि शायद आठ या नौ ना रहे लेकिन वो छह और सात पे जा सकता है। और ज्यादातर एग्जिट पोल या फिर बाकी अन्य लोगों की चर्चाओं की बात करें तो वो ये मान के चल रहे हैं कि हाँ छह पाँच या पाँच छह या सात तक भी स्थिति हो सकती है। लेकिन पत्रकारों का एक आकलन भी आया है, वो भी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के भीतर के जो पत्रकार हैं उन्होंने जो नतीजे जो है संभावना जताई है छत्तीसगढ़ को लेकर के, वो आठ से नौ सीटों की है। तो कांग्रेस के खाते में आठ से नौ सीटें आ सकती है, दिल्ली और रायपुर के पत्रकारों का ऐसा मानना है। बिल्कुल, लेकिन वास्तविक नतीजे क्या रहेंगे वो देर शाम ही पता चल पाएंगे कि बाकी में कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है, क्या विधानसभा का जो नतीजा है वो यहाँ पे दोहरा रही है या नहीं दोहरा रही है, या फिर बीजेपी को इस बार कामयाबी मिल रही है लोकसभा चुनाव में मोदी के आश्रय, मोदी लहर के भरोसे। तो कुल मिलाकर विधानसभा का एजेंडा या फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हमारे साथ भोपाल से इस वक्त शरद बाघेला लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जैसा कि आठ बजे से मतगणना शुरू होगी, फिलहाल आपसे व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी चाहेंगे, कितनी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग द्वारा नजर आ रही हैं? देखिए मुश्रा, मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियों की जो व्यापक प्रबंध किए गए हैं, और अभी की हम बात करें तो अभी इस वक्त मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ, निर्वाचन आयोग क्रम जेल में जाकर मतगणना होनी है, और वहाँ पर सभी जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो प्रतिनिधि है सभी लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और जो टेबल जो नियत की गई है वहाँ बैठने की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। सुरक्षा की जब बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो जो पुरानी जेल है उसके आसपास तकरीबन आधा से लेकर एक किलोमीटर दूर तक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सघन जांच की जा रही है, और कई लोगों के साथ ये भी किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें तकरीबन आधा किलोमीटर दूर ही रोक देती है और उसके बाद उन्हें पैदल तक यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उनके लिए आदेशित किया गया है। दूसरी तरफ हम बात करें कि इस वक्त जो हम यहाँ पर जो मतगणना स्थल पर खड़े हैं, यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं जो इन मतगणना को कंडक्ट कर रहे हैं वो लगातार अपडेट ये भी दे रहे हैं कि किसे कहाँ पर आना है, और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के गेट बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं, उस दरवाजे से किस किन लोगों को कहाँ कहाँ से पहुंचना होगा, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर सारे जो प्रबंध किए गए हैं वो सारे प्रबंध यहाँ पर किए जा रहे हैं, और भी जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, बिल्कुल साथी शरद, आपसे जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के इतिहास में इस बार ज्यादा संख्या में मतदान हुआ है, यानी कि 67% से ज्यादा मतदान हुआ है जो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी जो सियासी पंडित हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो आकलन करना पहले ही शुरू कर देते हैं। बात अगर एग्जिट पोल की भी कर ली जाए तो 103 के आंकड़े बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे थे, 118 कांग्रेस के और 30 अन्य के, इस तरीके के तमाम आंकड़े अलग अलग चैनल द्वारा अलग अलग मीडिया द्वारा कहे जा रहे थे, इस पर चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा तेज हो गया था। और अगर बात इसमें मध्य प्रदेश भोपाल सीट की कर ली जाए तो यहाँ पर दोनों ही चेहरे हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। बेशक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह हम आप मतगणना प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो मतगणना का प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा है, और इस लिहाज से ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जो चुनाव के नतीजे घोषित करने की जो प्रोसेस है उसमें भोपाल की जो सीट है उस सीट के नतीजे हो सकता है कि वो देर रात तक उसकी काउंटिंग होती रहे, और 24 तारीख यानी कि कल तक काउंटिंग यदि होती है तो 24 तारीख के बाद उसके नतीजे घोषित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का प्रतिशत भी ज्यादा बढ़ा है और जो वोटिंग की संख्या भी ज्यादा होने के चलते यहाँ पर ऐसी अनुमान लगाया गया है कि इसकी संख्या ज्यादा जो समय है उसमें ज्यादा विलंब हो सकता है, तो इसलिए यदि हम आज शाम तक की बात करें तो शाम से ज्यादा ये भी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो उस दौरान भी जो मतों की गिनती हो रही थी उन गिनती के दौरान काफी ज्यादा लोगों को इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ था कि कभी कांग्रेस के पक्ष में प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाता था मतगणना का तो कहीं बीजेपी के, तो आखिर में जो नतीजा था वो आखिर सामने है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ये देखना होगा कि आखिरकार जो प्रतिशत का रेशो है वो कहाँ तक आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आपने पूछा कि जो मध्य प्रदेश की सीटों के अलावा जो भोपाल की 33 सीट की हम बात करें तो इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं, और इस लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रतिशत की यदि हम बात करें वोटिंग का जो प्रतिशत है भोपाल में भी काफी ज्यादा बढ़ा है, और पिछले जो हम बात करें लोकसभा चुनाव की 2014 की तो उस लिहाज से इस बार तकरीबन 8 से 9% प्रतिशत यहाँ का बढ़ा हुआ है,
तो यहाँ पर ऐसा मानव जैसे ने बताया कि जताई गई थी कि यहाँ पर जो काउंटिंग है, काउंटिंग के दौरान समय ज्यादा लग सकता है और इसलिए ये भी हो सकता है कि भोपाल का जो नतीजा है वो या तो 23 तारीख की देर रात को या फिर 24 तारीख की सुबह तक आने की संभावना है। जो शराब और जैसा कि शरद आप लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत कर रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले निरीक्षण के लिए जायजा लेने के लिए प्रज्ञा ठाकुर जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बनाया वहाँ पर करने के वहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने सवाल उठाया था कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है वहाँ पर, तो अब क्या अब भी आज के दिन भी उनको इस तरीके की शिकायत तो नजर नहीं आ रही है? और सीसीटीवी कैमरे जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान लगाई थी, ठीक उसी तरह पर यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई जिसमें जो सारे दृश्य अंदर के दिख रहे हैं कि जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो मतगणना स्थल की हम बात करें तो जो चेकिंग पॉइंट से लेकर तमाम जो जगह है वहाँ पर सभी जगह पुलिस तैनात है, हर व्यक्ति की बारीकी से जाँच की जा रही है, उन्हें साफ उन्हें देखा जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ चेक की जा रही है और ऐसा भी किया जा रहा है कि जो व्यक्ति वाहनों से आए हैं अपने उनके वाहन काफी दूर खड़े करवा दिए गए और लोग यहाँ पर पैदल पहुंच रहे हैं। और यदि हम अंदर की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ पहुंची थी बीजेपी प्रत्याशी और साथ में कल रात को दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह भी यहाँ पहुंची थी, उन लोगों ने भी यहाँ पर जायजा लिया और आने की बात भी जाहिर है कि जो लोग भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी है तो इस लिहाज से उनका दौरा करना जरूरी भी है, तो इस लिहाज से वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण भी कर रहे हैं। और अभी की मैं बात करूँ तो अभी भी कुछ देर बाद यहाँ पर जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो तमाम भले वो कांग्रेस की हम बात करें या बीजेपी की बात करें या अन्य दलों की बात करें, उन सभी दलों के नेता यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पर मतगणना स्थल पर जो टेबलों पर बैठेंगे जो, तो उनके लिए भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिया है और काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनको जो कुछ दिन पहले जिम्मेदारियां दी गई थी कि किस तरह से सावधानी बरती जाए, किस तरह गड़बड़ियां ना हो, उसको लेकर भी दोनों ही पार्टियों के जो चीफ है उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आखिर किस तरह से मतगणना स्थल पर आप काम कर सकते हैं, कैसी निगरानी रखी जाए, गड़बड़ी ना हो उस पर भी कैसे नजर रखी जाए, तो तमाम पहलू जो है उसको लेकर भी यहाँ पर जो उसको फॉलो करने की प्रोसेस है वो यहाँ पर की जाएगी। और धीरे धीरे करके सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए बाकायदा उनके मोबाइल भी रखे जा रहे हैं, जब्त किए जा रहे हैं ताकि वो किसी तरह के कॉल अंदर से ना कर सके। इसके लिए यहाँ पर जो मीडिया कक्ष भी एक अलग से बनाया गया है, तो मीडिया कक्ष में इंटरनेट की व्यवस्था की गई ताकि जो भी जानकारियां हैं वहां से पहुंचाई जा सके। और साथ में जो कार्यकर्ता जो है पार्टियों के वो अगर अंदर जाएंगे तो उन्हें सिर्फ पेन और जो कागज है वही लेके जाने दिया जा रहा है, इसके अलावा उन्हें कोई सामग्री नहीं दी जा रही है, साथ में ना मोबाइल की हम बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो किसी भी तरह के यहाँ अलाउ नहीं किए गए हैं। इस लिहाज से सभी लोगों के मोबाइल बाहर रखा लिए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो वो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे कि मतगणना प्रभावित ना हो। खुश रहा बिल्कुल, चलिए वापस आएंगे आपके पास। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जो बीजेपी की तरफ से बात कर ली जाए प्रत्याशियों की या कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की बात कर ली जाए, दोनों ही तरफ से नए चेहरे उतारे गए, क्या लगता है सियासी समीकरणों को देखते हुए कितना असर डाल पाएगा इस बार के नतीजों पर? देखिए, कांग्रेस के लिए तो बेहतर करने की स्थिति है क्योंकि 2014 के अगर नतीजों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 1 सीटें थी जबकि बीजेपी के पास 10 सीटें, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बेहतर करने का मौका तो है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस बेहतर नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि जो नतीजे विधानसभा में आए, यानी कि 1/3 से अधिक सीटें कांग्रेस जीत कर आई विधानसभा में, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व तो है कि वो इस नतीजे को दोहराए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कम से कम 8 से 9 सीटें वो जिताकर दिखाए। तो समीकरणों की अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी है जहां पे बीजेपी विधानसभा के लिहाज से लोकसभा में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए खोने के लिए होते हुए भी पाने की स्थिति रहेगी अगर विधानसभा से तुलना की जाए तो। विधानसभा में जो करारी हार बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, लोकसभा में मोदी के आश्रय बीजेपी बेहतर करने की स्थिति में दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती है और कांग्रेस को 1 से फायदा होके वो 6 या 7 की स्थिति में जा सकती है।
तो कांग्रेस के लिए फायदा होते हुए भी एक नुकसान की स्थिति विधानसभा के लिहाज से होगी और बीजेपी के लिए 2014 में जो फायदा हुआ था उससे नुकसान की स्थिति को देखते हुए विधानसभा के लिहाज से फायदा की स्थिति हो सकती है। तो नफा और नुकसान दोनों ही दलों को अलग अलग परिस्थितियों में है, लेकिन जो आकलन आया है छत्तीसगढ़ को लेकर के एग्जिट पोल को अगर देखें तो एग्जिट पोल में 7-4 या 6-5 की स्थिति है, यानी कि 7 बीजेपी को दी गई है और 4 कांग्रेस को, 6 बीजेपी को दी गई है और 5 कांग्रेस को। लेकिन जो पत्रकारों का अपना आकलन है उनका आकलन है 8-9 सीटें कांग्रेस को और 3-4 सीटें जो है बीजेपी को, तो इस तरह का आकलन दिखाई दे रहा है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति अगर देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे उनमें जो 1 और 3 कुल 4 सीटें थी वो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसी संभावना पूरी ज्यादा है कि बस्तर में कांग्रेस लीड इस लिहाज से कर सकती है क्योंकि जमीन वापसी का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस ने बहुत बेहतर तरीके से बुनाया था। आपसे जानेंगे बिल्कुल वैभव, आपसे जानेंगे कि कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं, लेकिन आपके पास वापस आएंगे कुछ ही देर में। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। विकास, क्या जानकारी मिल रही है आपसे, कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम के अंदर कुछ समय के बाद मतगणना शुरू होगी। इसको लेकर जो प्रशासन है उसमें तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इस बार जो है सुरक्षा कड़ी की गई है, किसी को भी अंदर मोबाइल ले जाने अनुमति नहीं है, मीडिया को भी अंदर मोबाइल से दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पे ईवीएम 7 बजे के लगभग यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी है वो ईवीएम खोलेंगे और कहीं गिनती शुरू होगी। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशियों के भाग का जो भी है फैसला आएगा 23 मई में, आज जो मतगणना होना है इसको लेकर तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है।